हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रशांत होम्योपैथिक टॉप सीक्रेट मेडिसिन में। आज टॉप सीक्रेट मेडिसिन में मैं कोई मेडिसिन नहीं बताने वाली हूँ आपको, रफली मैं होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेते हैं उसका एक तरीका बताने वाली हूँ। वैसे तो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करते ही होंगे, फिर भी मेरा एक अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करने का छोटा सा प्रयास। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो जनरली ग्लोब्यूल्स फॉर्म में अगर दी जाती है तो उनको हमको टच नहीं करना होता है, हमको उसे ढक्कन में लेके सीधा मुंह में डाल के चूस के खानी होती है। ये मेडिसिन वैसे तो मोस्टली एम्प्टी स्टमक ही लेनी होती है, यानी खाने के आधा घंटा पहले। पर अगर आप भूल जाते हो, खाना खा लेते हो, तो कोई बात नहीं, खाने के आधे घंटे बाद खा सकते हैं। इन शॉर्ट आपको ये मेडिसिन खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद लेनी होती है, पर आधा घंटा पहले लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ये हो गई बात ड्राई डोज की। अगर आपको डोज पानी में लेने के लिए बोला जाता है, जैसे हायर पोटेंसीज होती है या कुछ नोजोल्स होते हैं उनको, या मदर टीचर को पानी में लेने के लिए बोला जाता है, उसे वाटर डोज बोलते हैं, तो आपको आधा कप पानी में लेना होता है वो, और बाकी तो सारी मेडिसिन चूस के ही खाई जाती है। आप ये सारी मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी खा सकते हैं। जनरली एलोपैथिक मेडिसिन का रूल होता है या तो इमिडिएटली बिफोर मील या आफ्टर मील, यानी खाना खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद में, जबकि एलोपैथिक मेडिसिन के विपरीत एकदम होम्योपैथी में ऐसा बोला जाता है कि आधा घंटा पहले लेना है या तो आधा घंटे बाद लेना है। तो वैसे भी आपकी होम्योपैथी और एलोपैथिक मेडिसिन में आधे घंटे का अंतर हो जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। वैसे कुछ मेडिसिन ऑल्टर कर सकते हैं एक्शन को, पर बहुत ज़्यादा कोई ऑल्टरेशन नहीं होता है। और अगर आप होम्योपैथी और एलोपैथी साथ में लेते हैं, साथ में इन द सेंस एक ही दिन में, एक ही टाइम में, पर आधे घंटे का गैप लेके, तो वो 1 और 1 11 इस तरीके से वो काम करेगी। अगर एलोपैथिक मेडिसिन से कोई आपकी बीमारी 15 दिन में ठीक होने वाली है, और होम्योपैथी से आपकी बीमारी अगर 20 दिन में ठीक होने वाली है, तो वो दोनों मिलके अगर आप लेते हो तो शायद 10 दिन में ही ठीक हो जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है ब्यूटी ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन की, यानी होम्योपैथी की खूबसूरती, कि अगर सिम्टम आपके ज़्यादा खराब है तो आप ये मेडिसिन फ्रिक्वेंटली ले सकते हैं ज़्यादा बार, वो आप एलोपैथी में नहीं कर सकते। आप अगर दिन में 3 बार लेने के लिए कोई मेडिसिन बोली है तो आपको दिन में 3 बार ही लेनी पड़ेगी, पर होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप दिन में 3 बार बोली है और आपकी तकलीफ ज़्यादा है, पर ये आपके होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ के ही आपको करना है, अगर दिन में 3 बार बोली गई है तो वो मेडिसिन आप दिन में 6 बार यानी 2-2 घंटे में भी लेके अपना रिजल्ट फास्ट ला सकते हैं। या तो फिर आपके सिम्टम अगर जल्दी रिलीव हो जाते हैं तो आप डोजेस कम कर दीजिए, जो दिन में 3 बार बोला है तो दिन में 1 ही बार ले या 2 ही बार ले, तो भी आपको वो किक देता है जो आपको 3 टाइम लेने के बाद मिल सकती है। पर ये भी आपको आपके डॉक्टर से पूछ के ही करना है। ये होम्योपैथी उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको ऐसा लगता है अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, अब मेडिसिन लेने की क्या जरूरत है। होम्योपैथी में ऐसा ही होता है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो या तो मेडिसिन का डोज कम कर सकते हैं या तो बंद कर सकते हैं, और अननेसेसरी लेने की जरूरत नहीं है